दिल्ली की डीटीसी बसों में केजरीवाल सरकार ने मार्शल्स की तैनाती की थी ताकि वो महिला सुरक्षा का काम कर सकें, महिलाओं को सुरक्षा दे सकें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उन डीटीसी बसों में, वो मार्शल्स ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के साथ मिलकर, इस वीडियो में देखिए, टिकटॉक वीडियो। सपना चौधरी का ये वो मशहूर गाना था जिसके चलते वो आज इतनी हॉट सेलिब्रिटी बन गई हैं। और डीटीसी के बस थी जनकपुरी में खड़ी थी, हरिनगर डिपो के रूट की बस थी, और कैसे जो ड्राइवर बीरपाल था वो उस मार्शल के कहने पर वहाँ पर ले गया, और वहाँ पर उसने एक लड़की आई जिसने अलग अलग कई गाने वहाँ पर शूट किए, और ऐसे में वो गाने लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब वो गाने आपको कॉपीराइट के चलते सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार वो लड़की कैसे वो महिलाओं की सेवा इस तरह से कर रहे हैं कि उनके जो टिकटॉक वीडियो में, इसमें बता दूं ये टिकटॉक के बजाय लाइक ही एक ऐप है, उसके वीडियोस हैं, तो ये म्यूजिकल वीडियो एक सरकारी बस में, डीटीसी की बस में उन्होंने शूट किया, इसके लिए उन्हें निलंबित किया गया। मैं आपको वो नोटिस दिखा रहा हूँ कि उनको क्या नोटिस भेजा गया है, और ये वो नोटिस है जो मार्शल को भेजा गया है, जो सिविल डिफेंस कार्यालय है जिसके अंतर्गत ये मार्शल आते हैं, शैलेंद्र नाम है इस मार्शल का। डीटीसी ने ये भेजा है कि नागरिक सुरक्षा के कर्मचारी, और उनका एड्रेस नाम पूरा दिया है कि ड्यूटी इस बस में थी और बस के अंदर एक महिला द्वारा डांस किया जा रहा था, उस समय मार्शल बस में उपस्थित थे व इनकी सहमति से वीडियो बनाया गया। आप जो वर्दीधारी देख रहे हैं ये वही मार्शल हैं। इस डांस का वीडियो वायरल हुआ जिसकी नियमों की अवहेलना हुई है, अनुशासन को भंग करने का प्रयास किया है, इससे लगता है कि मार्शल अपने कार्य को लेकर लापरवाह हैं, निगम की छवि धूमिल हुई है और इन पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और ये सारी, इसके अलावा खाली ये अकेले नहीं है, उसके अलावा जो ड्राइवर और जो, क्योंकि जो कंडक्टर था बस का वो, उसकी सेवाएँ परमानेंट नहीं थी तो उसको निकाल दिया गया, लेकिन जो इस बताया गया कि 12 जुलाई को ये डीटीसी हरिनगर डिपो ने ये ड्राइवर के लिए भेजा है, ड्राइवर का नाम इसमें लिखा है वीरपाल, उसको निलंबित कर दिया गया है कि आपकी बस में जो सब हुआ ये पूरी डिटेल दी गई है, और ये कृत्य आपकी ड्यूटी के प्रति स्पष्ट लापरवाही दर्शाता है, उपरोक्त कृत्य को मद्देनजर रखते हुए आप पर निम्न आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप लगाए गए, बस को आपने खाली चलाया, ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरती, वीडियो बनाने में बस का यूज़ किया अनाधिकृत तरीके से, सरकारी संपत्ति का गलत प्रयोग किया, निगम को आर्थिक हानि पहुँचाई। ये आर्थिक हानि की बात इसलिए है क्योंकि अगर ये बस किराए पर जाती फिर वीडियो शूट होता तो कुछ पैसे मिलते निगम को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और निगम की छवि धूमिल करना, ये दोनों बातों ने लिखी है, इसलिए उनको डायरेक्ट रिपोर्ट AIT सेक्शन को रोज ट्यूसडे और फ्राइडे को करने को बोला है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि कैसे जो लोग टिकटॉक या लाइकी वीडियोस बना रहे हैं वो जाकर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको कैसे राजी कर रहे हैं, और कैसे उस सरकारी कार्यालय की DTC की छवि धूमिल हुई है। तो उम्मीद है केजरीवाल सरकार इन सब पर नज़र रखेगी, और बाकी सरकारें भी, क्योंकि उनके यहाँ भी हो सकता है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।